नगर निगम ने मंगलवार को 10 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया। यह जमीन गोरखनाथ इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर में है। 10 डिसमिल इस जमीन पर काफी लंबे समय से अवैध अतिक्रमण था। अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद भी नगर निगम इसे हटा नहीं पा रहा था। मंगलवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के कड़े रुख पर नगर कर्मियों ने अवैध कब्जा हटाया। सहायक नगर आयुक्त जोनल अधिकारी अविनाश कुमार सिंह और प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह द्वारा मौजा लच्छीपुर वार्ड 10 राजेंद्र नगर पश्चिमी में पहुंचे। खेतान हॉस्पिटल के पश्चिम लक्ष्मी लुब्रिकेंट के पीछे सड़क पर नगर निगम की लगभग 10 डिसमिल से अधिक जमीन पर किए अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की। एहतियात के तौर पर गोरखनाथ थाने से पुलिस बल और तहसील सदर से भी कर्मचारियों को मौके पर बुला लिया गया। जेसीबी के जरिए 10 डिसमिल जमीन पर अवैध ढंग से बनाए गए दीवारी और अन्य निर्माण को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान जोन 8 में जोनल अधिकारी अविनाश प्रताप सिंह, प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, नायब तहसीलदार सतीश कुमार, आरआई अनिल सिंह, अवध किशोर श्रीवास्तव, गोरखनाथ के थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह व प्रवर्तन दल की टीम उपस्थित रही। नगर आयुक्त ने चिन्हित किए गए दूसरे अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, ये बना हुआ मकान है जो यहाँ तक आए हो कर रहे सर, वीडियो कर रहे सर, वीडियो कर रहे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अंदर खींच दो इसको, बिल्कुल साला पूरा है ना। अंदर अंदर गिराइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हो गया, हो गया, हो गया। आप जाइए, आप
को चोट वोट लगी बिना पता लेने देने लेने का देना पड़ेगा मैम। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में पिछले काफ़ी महीनों से गोरखपुर नगर निगम के द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगातार अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसी की कड़ी में हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया में वार्ड नंबर 10 लच्छीपुर में नगर निगम की 10 डिसमिल से ऊपर की ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैधानिक तरीके से कब्जा कर रखा था और उनको बार बार उनको चेतावनी दी गई थी कि उसको खाली करने के लिए, लेकिन उनको उनके द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा था। इस प्रकरण में अपन जो हमारे सहायक नगर आयुक्त साहब हैं और प्रभारी अधिकारी कर्नल सीपी सिंह और ETF की जो हमारी फोर्स थी, संबंधित पुलिस थाने की जो फोर्स, सबको लेकर ये लोग दल बल के साथ मौके पे गए और पूरा जो था उसको पूरे अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई से जहां इस प्रकार के अवैध अतिक्रमणकारियों के जो मंसूबे होते हैं वो पूरी तरह से फेल होते हैं, साथ ही साथ जो है अन्य लोगों को भी इससे एक सबक मिलता है कि वो लोग भी इस प्रकार से किसी प्रकार सरकारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण ना करें। अब नगर निगम का वहाँ पर इस ज़मीन पर कोई भी एक हम अपना छोटा सा वहाँ पर ऑफिस बनाना चाहते हैं जिससे कि वहाँ पर ऑफिस बन जाएगा तो एक हमारे अधिकारी वहाँ कर्मचारी बैठकर और वहाँ पर हमारा प्रशासनिक नियंत्रण और भी मजबूती से स्थापित हो सकेगा।